कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित मद एक कपड़े व्यवसायी के यहाँ पूंजीगत है या लाभगत। पहला, मजदूरों के कल्याणार्थ किए गए व्यय, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। दूसरा, मशीन पर लगाई गई कटौती, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तीसरा, अखबार की रद्दी बेचने से प्राप्त रकम, मनी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ वेस्ट पेपर। चौथा, हमारे व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग होने के कारण अन्य पक्षों के विरुद्ध किए गए कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस इनकरेड अगेंस्ट अ पार्ट यूजिंग ऑफ ट्रेडमार्क। पांचवा, आयातित मशीन पर कस्टम कर चुकाया गया, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन द मशीन इंपोर्टेड। यहाँ फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि मजदूरों के कल्याण पर किया गया व्यय है, तो ये जो व्यय है कल्याण पर किया गया एक प्रकार का साधारण व्यय, सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित व्यय है। किसी भी व्यापार में साधारणतः हम देखते हैं कि मजदूरों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ व्यय किए जाते रहते हैं, तो इस तरह का जो व्यय है उनको आवर्तक तरह के व्यय होते हैं, साधारण व्यय होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित माना जाता है इनको, तो इस तरह के जो व्यय होते हैं वो आगमगत व्यय या फिर लाभगत व्यय कहलाते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मशीन पर लगाई गई कटौती, तो अब क्योंकि ये मशीन जो है वो स्थायी संपत्ति है और इसके उपयोग क्योंकि इसको उपयोग किया गया है, यूज में लाया गया है, इसलिए इस पर ये व्यय हो रहा है, तो इसको हम आगमगत व्यय मान लेंगे। यहाँ हमको बहुत सावधानी से देखना है, जनरली हम स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड अगर कोई व्यय हमको दिखाई देता है तो हम उसको तुरंत के तुरंत पूंजीगत व्यय मान लेते हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि ये व्यय किस मोड पर है, क्या वो संपत्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, कि संपत्ति की कार्य क्षमता को बनाए रख रहे हैं, या फिर उन पर किसी प्रकार का कोई डिडक्शन लग रहा है, यहाँ पे इस चीज को हमको बहुत ध्यान से देखना है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अखबार की रद्दी बेचने से कुछ रकम प्राप्त हुई है, तो इस तरह की अगर हमको कुछ रकम प्राप्त होती है तो उसको हम आगमगत व्यय मान लेते हैं, क्योंकि इस तरह के जो स्क्रैप होते हैं, रद्दी होती है, उनको व्यापार में कई बार बेच दिया जाता है, साफ सफाई के दौरान इनका विक्रय कर दिया जाता है, तो वो एक्चुअली व्यापार की जो प्रकृति है, जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है उससे रिलेटेड वो नहीं होते हैं, ना वो किसी स्थायी संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह के जो आय होते हैं उन्हें हम आगमगत आय या आगमगत प्राप्ति मान लेते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, लीगल एक्सपेंसेस इनकरेड अगेंस्ट पार्टी यूजिंग अवर ट्रेडमार्क। हमारे व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग होने के कारण जो अन्य पक्ष हैं उन पर वो जो है वो कानूनी व्यय करते हैं। ट्रेडमार्क जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस के लिए होता है और रजिस्टर्ड किया गया मार्क होता है, उसके अलावा, उस फर्म के अलावा जिसने उसको रजिस्टर्ड कराया है, कोई दूसरी फर्म यूज नहीं कर सकती, और अगर यूज करती है तो जिस फर्म का वो ट्रेडमार्क है उससे अनुमति लेना जरूरी होता है, और अगर अनुमति नहीं ली जाती है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क का दुरुपयोग किया गया है। तो ऐसे समय में, ऐसे कंडीशन में जो व्यय होते हैं, कानूनी कुछ व्यय करने पड़ते हैं। अब ये जो इस तरह से व्यापार चिन्ह की सुरक्षा करनी है, ट्रेडमार्क की सुरक्षा करनी है, ये सभी व्यवसाय का एक कर्तव्य होता है, यानी जनरली हम देखें तो व्यापार संचालन से संबंधित ही एक व्यय होता है, तो इसको हम, क्योंकि साधारण व्यय है, व्यापार संचालन से संबंधित व्यय है, तो इसको हम आगमगत व्यय मान सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आयातित मशीन पर कस्टम कर चुकाया गया है, तो मशीन जो है वो एक स्थायी संपत्ति है, और स्थायी संपत्ति पर जो भी हम व्यय करते हैं, लाने ले जाने, स्थापित करने, आयात कर, निर्यात कर, चुकाने, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, उसकी लागत में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थायी संपत्ति यानी कि मशीनरी पर जो कस्टम चुकाया गया है, कस्टम ड्यूटी, उसको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे। कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित व्यय पूंजीगत व्यय है या आगमगत व्यय। पहला, महाविद्यालय के लिए 12,000 रुपए में खरीदा गया टीवी का व्यय, टीवी परचेज इज ₹12,000 फॉर कॉलेज। दूसरा, भूमि क्रय के लिए दी गई दलाली व्यय ₹5,000, ब्रोकरेज ऑफ ₹5,000 फॉर परचेज ऑफ लैंड। तीसरा,
सरकारी विभाग में काम करने हेतु दी गई रिश्वत 1,000 रुपए, दुकान का सामान खरीदने हेतु दी गई दलाली 1,200 रुपए, ब्रोकरेज गिवन फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर शॉप ₹1,200, अनाथालय को दिया गया दान 10,000 रुपए, डोनेशन गिवन टू एन ऑर्फन हाउस ₹10,000। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि कॉलेज के लिए एक महाविद्यालय के लिए एक 12,000 रुपए का टीवी खरीदा गया है। तो टीवी जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति को खरीदने पर जो भी व्यय किया जाता है वो पूंजीगत व्यय होता है, तो इसको हम मान लेंगे पूंजीगत व्यय। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भूमि क्रय करने के लिए दी गई दलाली। अब भूमि भी हमारे लिए स्थायी संपत्ति है और स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए जो भी व्यय किए जाते हैं वो सारे के सारे पूंजीगत व्यय में आते हैं। तो यहाँ पर हम भूमि क्रय के लिए दी गई दलाली को स्थायी व्यय मान लेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं दुकान का सामान खरीदने के लिए दी गई दलाली। तो दुकान का सामान खरीदने के लिए हम जो भी दलाली देते हैं रिश्वत तो दुकान का सामान खरीदने के लिए हम जो भी दलाली देते हैं जनरली सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित होते हैं। इस तरह का ब्रोकरेज हमको कई बार पे करना पड़ता है, इसलिए ये जो व्यय है इसको हम आगमगत व्यय मानेंगे। पांचवा यहाँ पर हम देख रहे हैं अनाथालय को दिया गया दान। तो ये क्योंकि एक अमाउंट बड़ी अमाउंट है और जनरली हम बहुत कम इस तरह का डोनेशन देते हैं, किसी विशेष अवसरों पर ही हम इस तरह का डोनेशन देते हैं, तो ये जो व्यय है इसको हम पूंजीगत व्यय मान सकते हैं। कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित व्यय आयगत है या पूंजीगत। पहला, फैक्ट्री भवन को अधिकार में लेने के लिए किए गए व्यय। एक्सपेंसेस इनकरेड फॉर एक्योरिंग बिल्डिंग। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त आर्थिक अनुदान, ग्रांट एंड एड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तीसरा, जमीन के पट्टे पर दिया गया नजराना, नजराना पेड ऑन द लीज ऑफ लैंड। चौथा, बैंक में भेजा गया रुपया कर्मचारी के हाथ से छिन जाने के कारण हानि, कैश स्नेचेड फ्रॉम कैशियर हु वाज गोइंग टू डिपॉजिटेड इन द बैंक। यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में कि फैक्ट्री भवन जो है, एक बिल्डिंग जो फैक्ट्री की है उसको अपने अधिकार में लेने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं। अब फैक्ट्री भवन जो है वो तो पूंजी है, स्थायी संपत्ति है, तो इस पर जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त आर्थिक अनुदान। अब इस तरह के जो अनुदान जो गवर्नमेंट से मिलते हैं जनरली वो बार बार नहीं मिलते, किसी विशेष अवसर पर किन्हीं विशेष कारणों से ही हमको मिलते हैं। तो इस तरह का के जो अनुदान राशि होती है उसको हम, क्योंकि अनावर्तक प्रवृत्ति के होते हैं, बार बार प्राप्त नहीं होते, तो यहाँ पर हम इनको पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि जमीन के पट्टे पर दिया गया नजराना। अब क्योंकि जमीन खरीदनी है हमको और उसके लिए जो हमको नजराना व्यय के रूप में राशि दी जाती है, तो वो एक स्थायी संपत्ति जो पूंजी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में ही वो जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बैंक में भेजा गया रुपया कर्मचारी के हाथ से छिन जाने के कारण हानि। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि जो कैशियर होते हैं उनसे छीन लिया जाता है पैसा, तो इससे जो लॉस हुआ है उसको हम ये मान लेंगे यहाँ पर कि ये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है और उसको हम आगमगत व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे। कारण सहित बताइए कि निम्नांकित मदे पूंजीगत मदे हैं या आयगत मदे। पहला, रोकड़िया द्वारा 1,000 रुपए का गबन किया गया, एम्बलेजमेंट ऑफ कैश बाय कैशियर ₹1,000। दूसरा, पुरानी मशीन 15,000 रुपए में क्रय की गई, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑफ 10,000। दूसरा,
अनुसंधान कार्य पर व्यय 10,000 रुपये, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑफ 10,000। तीसरा, पुरानी मशीन 15,000 रुपये में क्रय की गई, परचेस ऑफ ओल्ड मशीनरी एज ₹15,000। चौथा, स्थायी संपत्तियों का मूल्यह्रास 20,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ₹20,000। पांचवा, व्यापार चिन्ह का लागत मूल्य 5,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क 5,000। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोकड़िया द्वारा गबन कर लिया गया, अब एक प्रकार का लॉस तो है, लेकिन कैशियर्स इस तरह का अगर छोटा मोटा गबन करता है तो ये मान लिया जाता है कि ये बहुत छोटी सी हानि है और आगमगत व्यय में हम उसको शामिल कर देते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं यहाँ पर रिसर्च किया गया है, तो रिसर्च बार बार तो नहीं किया जाता, कभी किसी विशेष किसी टॉपिक पे कुछ सर्च करने के लिए ही किया जाता है, तो अनावर्तक प्रवृत्ति का ये होता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि अनुसंधान पर किया गया जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेस है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुरानी मशीन 15,000 में क्रय की गई है, अब मशीन है और परचेस की गई है, सामान्य सी बात है, स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्तियों को जब भी हम परचेस करेंगे वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आए। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं स्थायी संपत्तियों का मूल्यह्रास, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्थायी संपत्ति पर हालांकि ये ह्रास है, लेकिन क्योंकि मूल्यह्रास है और कोई भी स्थायी संपत्ति हो समय के साथ या यूज करने के साथ साथ उसके जो मूल्य होते हैं उसमें कमी आती ही है, घिसावट उसमें आती है, किसी भी कारण से उसके मूल्य में कमी आती है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित ही व्यय है। तो हालांकि वो स्थायी संपत्ति से रिलेटेड है लेकिन फिर भी सामान्य व्यापार संचालन का व्यय है, इसलिए हम इसको आगमगत व्यय यहाँ पर मान सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं व्यापार चिन्ह का लागत 5,000 रुपये, तो ट्रेडमार्क है, अब ट्रेडमार्क व्यापार की एक प्रकार से संपत्ति होती है, जैसे हम देखते हैं कि गुडविल व्यापार की एक अमूर्त संपत्ति है, वैसे ही ट्रेडमार्क भी संपत्ति है व्यापार की। इसको अगर हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके लिए हमको कुछ खर्च करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एक फिक्स एसेट से टू रिलेटेड एक्सपेंसेस माने जाते हैं और इनको हम फिर पूंजीगत व्यय में ही शामिल करते हैं। एक चीनी मिल कंपनी ने कुछ सौदे दिए हुए हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि ये पूंजीगत है या आयगत। पहला, 1,000 रुपये मासिक किराए पर 200 बीघा भूमि कृषि कार्य के लिए प्राप्त की गई और ₹100 प्रति बीघा नजराने के रूप में दिया गया। एक्वायर्ड 200 बीघा ऑफ लैंड फॉर एन एग्रीकल्चर फार्म एट एन एनुअल रेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ एंड पेड ₹100 पर बीघा एज नजराना। दूसरा, फार्म पशुओं और उपकरणों के क्रय में ₹5,600 व्यय किए गए, एक्सपेंडेड ₹5,600 इन परचेसिंग फार्म एनिमल एंड इम्प्लीमेंट्स। तीसरा, भूमि पर पक्की नालियां बनाने का व्यय ₹4,750, कॉस्ट ऑफ पक्का वाटर ड्रेन कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड ऑफ ₹4,750। फोर्थ, बिजली गिरने से 2 बैल मारे गए, इनमें प्रत्येक की लागत ₹1,250 थी। टू बुलॉक्स वेयर किल्ड बाय लाइटिंग एंड इच कॉस्टिंग ₹1,250। पांचवा, नहरी सिंचाई का ₹250 शुल्क सरकार को दिया गया। फिफ्थ, कैनाल इज इरिगेशन चार्जेस पेड टू गवर्नमेंट ₹250। छठवा, गन्ने के अतिरिक्त अन्य फसलें भी पैदा की गई और उनका मूल्य ₹2,500 था। बिसाइडेड सुगर कैन अदर क्रॉप्स वैल्यू एट ₹2,500। यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, जहां पर 1,000 रुपए मासिक किराए पर 2 बीघा कृषि भूमि कार्य के लिए ली गई है और ₹100 प्रति बीघा के हिसाब से नजराना शुल्क दिया जा रहा है, तो इस तरह के जो व्यय होते हैं, हालांकि भूमि स्थायी है लेकिन स्थायी संपत्तियों को परचेस तो नहीं किया गया है, किराए पर लिए गए हैं और किराए पे इसलिए लिया गया है ताकि सामान्य व्यापार संचालन यानी कि कृषि का कार्य किया जा सके,
तो इससे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो सब के सब आगम गतव्य के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। दूसरा, फर्म पशुओं और उपकरणों के क्रय में जो 5,600 रुपये खर्च हुए हैं, अब फर्म है, पशु है, उपकरण है, ये सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि स्थायी संपत्ति से संबंधित है, यानी कि कहीं ना कहीं इन पर जितने भी व्यय किए गए हैं वो सबके सब पूंजीगत व्यय में शामिल हो जाएंगे। तीसरा, भूमि पर पक्की नालियां बनाने का व्यय 4,750, भूमि पर लैंड पर पक्की नाली बना रहे हैं, यानी कुल मिलाकर एक स्थायी संपत्ति का निर्माण किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल होंगे। फोर्थ पॉइंट है, हम देख रहे हैं बिजली गिरने से 2 बैल मर गए। अब बैल जो थे वो तो कहीं ना कहीं लाइव स्टॉक थे हमारे लिए, एक प्रकार से एसेट्स थे हमारे लिए, यानी कि कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट में ही हम इनको इंक्लूड करते हैं जो हमारी एसेट्स होती हैं। अब ये मर गए और इनसे पूरा का पूरा हमको लॉस हो रहा है। कितने के थे ये? 1250 का एक बैल था और 2 बैल मरे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2,500 रुपये का हमको सीधा सीधा नुकसान हुआ है। तो ये जो क्योंकि संपत्तियों से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये जो हमको हानि हुई है उसको हम पूंजीगत हानि मानेंगे। फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, नहरी सिंचाई का 250 रुपये शुल्क सरकार को दिया गया। तो अब नहरों से जो सिंचाई, नहरों से जो पानी लेके सिंचाई की जाती है, सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित हम इसको मान सकते हैं। किसी भी व्यापार के लिए कई बार हमको लेना होता है पानी वानी, तो और फिर हम उसका जो भी पेमेंट होता है, जो भी पे हम करते हैं, क्योंकि आवर्तक तरह का होता है, सामान्य व्यापार संचालन की तरह का होता है, तो आगम गतव्य मान लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गन्ने के अतिरिक्त अन्य फसलें भी पैदा की गई और उनका मूल्य 2,500 रुपये था। तो मेन जो प्रोडक्ट था वो था गन्ना, लेकिन अन्य फसल यानी बाई प्रोडक्ट भी कुछ उसमें उगाए, तो वो भी पैदा की गई और उनसे उनका जो मूल्य था 2,500 रुपये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, ऐसा हम मानकर आयगत प्राप्ति के अंतर्गत उसको शामिल कर देते हैं। कारण सहित बताइए कि किसी कपड़ा व्यवसायी की निम्नांकित मदें पूंजीगत मदें हैं या आयगत। पहला, उत्पादित चीनी पर 800 रुपये उत्पादन कर भुगतान किया गया। ₹800 वेयर पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोड्यूस्ड सुगर। दूसरा, पुरानी मशीन हटाकर नई मशीन 8,000 रुपये की लगाई गई। अ न्यू मशीन फॉर ₹8,000 वॉज इंस्टॉल्ड बाय रिमूविंग ऑन ओल्ड वन। तीसरा, विशेष विज्ञापन पर 5,000 रुपये व्यय हुए। ₹5,000 वेयर स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट। चौथा, कंपनी के प्रारंभिक व्यय 4,000 रुपये हुए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी ऑफ ₹4,000। पांचवा, एक मशीनरी जिसकी लागत 10,000 रुपये थी 8,500 रुपये में बेची गई। इस मशीन की बहियों में कीमत 4,500 रुपये थी। A machine of which cost was ₹10,000 was sold of ₹8,500. The book value of this machine was ₹4,500. इस प्रश्न में हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, उत्पादित चीनी पर 800 रुपया उत्पादन कर लगाया गया। अब हमने पहले भी देखा था कि उत्पादन जब होता है तो कहीं ना कहीं उत्पादन कर प्रोडक्शन टैक्स जो होता है वो तो देना ही पड़ता है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है और इसलिए हम इसको आगम गतव्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि एक पुरानी मशीन थी उसको हटाकर उसकी जगह पर नई मशीन लाई गई, यानी कुल मिलाकर एक मशीन खरीदी गई है और मशीन जो है वो हमारे लिए स्थायी संपत्ति है और स्थायी संपत्ति पर जो व्यय किए जाते हैं वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पुरानी मशीन हटाकर नई मशीन लगाने में जो खर्च हुआ है, जो पैसे देने पड़े हैं, उसे हम पूंजीगत में मानेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कि विशेष विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है किसी भी व्यवसाय के लिए, लेकिन विशेष विज्ञापन यानी कि कुछ बड़े स्तर के, बड़े पैमाने के ऐसे विज्ञापन होते हैं जिन पे एक बार हम व्यय करते हैं और काफी लंबे समय तक हमको लाभ प्राप्त होते रहता है। यानी ये कहा जा सकता है कि इनसे मिलने वाला जो लाभ होता है, क्योंकि वो कई वर्षों तक होता है,
तो इन पर किया गया जो व्यय होता है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में, कई वर्षों में अपलिखित करते जाते हैं। और इस तरह के जो व्यय होते हैं, इस प्रकृति के जो व्यय होते हैं, उनको हम अस्थगित आगमगत व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देख रहे हैं कंपनी के प्रारंभिक व्यय 4,000 है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उस समय एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस फर्म को करने पड़ते हैं। अब ये जो व्यय होते हैं वो पर्टिकुलर किसी स्पेशल चीज पर किए गए हैं ऐसा नहीं माना जाता, पूरी की पूरी फर्म को स्टार्ट करने से रिलेटेड होते हैं। और इनसे जो लाभ प्राप्त होता है वो फर्म को उसके जीवन काल में प्राप्त होता रहता है, या हम कहें तो काफी लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। इसलिए ये जो व्यय होते हैं ये भी कई वर्षों तक कई छोटे छोटे टुकड़ों में अपलिखित किए जाते हैं, और यही कारण है कि इन व्यय को अस्थगित आगमगत व्यय कहा जाता है। फिफ्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मशीनरी जिसकी लागत 10,000 रुपए थी 8,500 रुपए में बेच दी गई, और बहियों में इसकी कीमत 4,500 थी। देखिए, लागत इसकी भले 10,000 रुपए की थी लेकिन बही में ये 4,500 की हो गई, क्योंकि कोई भी मशीन या कोई भी स्थायी संपत्ति समय के साथ साथ डेप्रिसिएट होती जाती है। जब हम उसको सेल करते हैं तो हम उसकी कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि जिस डेट पर वो संपत्ति बिकी उस डेट पर उसकी वैल्यू कितनी बची हुई थी। तो जिस डेट पर वो संपत्ति बिकी उस डेट पर उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 4,500 की थी, और हमने बेचा कितने में उसको, 8,500 में। यानी यहाँ हमको 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि स्थायी संपत्ति है, मशीनरी स्थायी संपत्ति से संबंधित ये लाभ है, तो ये जो प्रॉफिट है वो पूंजीगत लाभ कहलाएगा। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि किसी कपड़ा व्यवसाय की निम्न मदें पूंजीगत है या आयगत। पहला, खरीदे गए व्यापारिक माल पर गाड़ी भाड़ा का भुगतान, कॉटेज पेड ऑन गुड्स परचेज। दूसरा, नई मशीनरी के स्थापना हेतु काम पर रखे गए कारीगरों की मजदूरी, वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप न्यू मशीनरी। तीसरा, प्लांट में घिसे हुए पुर्जों के प्रतिस्थापन लागत, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। चौथा, क्रय किए हुए सेकेंड हैंड फर्नीचर की मरम्मत पर व्यय, एक्सपेंडिचर इनकरेड ऑन रिपेयर ऑफ अ परचेज सेकेंड हैंड फर्नीचर। पांचवा, आकस्मिक क्षति के कारण मशीन की मरम्मत पर व्यय, ड्यू टू एक्सीडेंटल लॉस एक्सपेंडिचर इनकरेड ऑन रिपेयर ऑफ अ मशीनरी। छठवा, व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग होने पर कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। पुराने साइन बोर्ड पर नया साइन बोर्ड लिखने के व्यय, एक्सपेंडिचर इनकरेड ऑफ पेंटिंग अ न्यू साइन बोर्ड ऑन एन ओल्ड साइन बोर्ड। यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जिसमें कुछ गुड्स परचेस किया गया है, उस पे गाड़ी भाड़ा कॉटेज दिया गया है। तो क्योंकि सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, कोई भी गुड्स हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, ध्यान रखना है हमको, ना कि स्थायी संपत्ति। गुड्स हम परचेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आगमगत व्यय, आयगत व्यय के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि वेजेस दे रहे हैं वर्कमैन एम्प्लॉयड को, हम मशीन की स्थापना के लिए कुछ व्यय कर रहे हैं, तो ओवरऑल चाहे हम वेजेस पे करें कुछ भी करें, लेकिन किस पर कर रहे हैं इस पे हमको ध्यान में, इसको हमको ध्यान में देना है। तो यहाँ हम स्थायी संपत्ति की स्थापना, क्योंकि मशीन की स्थापना पर व्यय कर रहे हैं, यानी कि स्थायी संपत्ति की स्थापना पर व्यय कर रहे हैं, तो ये जो व्यय होते हैं वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं एक हम मशीन के टूटे उठे हुए पार्ट को, और उसकी जगह हम नया पार्ट लगा रहे हैं। तो नॉर्मली इस तरह के जो व्यय होते हैं मशीन की टूट फूट, छोटे से मरम्मत वरम्मत के जो व्यय होते हैं, वो सभी आवर्तक तरह के होते हैं, हमको बार बार करना होता है, और ये इसलिए किए जाते हैं ताकि मशीन की जो कार्य क्षमता है उसको बनाए रखा जाए। तो इस तरह के जो व्यय होते हैं वो आयगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कि आकस्मिक क्षति के कारण मशीन की मरम्मत पर कुछ व्यय किए गए हैं।
अचानक से लॉस हो गया, अचानक से मशीन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, उस पर जब हम व्यय करेंगे थोड़ी सी बड़ी मात्रा में, हम वो व्यय करेंगे मशीन की मरम्मत पर पूरा व्यय करेंगे, तो कैपिटल में फिक्स एसेट्स में ये इंक्लूड हो जाता है। और क्योंकि ये फिक्स एसेट्स से रिलेटेड है, लेकिन ये हमको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो व्यय है वो मशीन की मरम्मत पर किया गया है, ना कि मशीन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये व्यय आयगत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट, व्यापारिक चिन्ह का दुरुपयोग किया गया है। तो व्यापारिक चिन्हों का दुरुपयोग, व्यापारिक चिन्ह एक प्रकार की संपत्ति है, लेकिन इसको सुरक्षित रखना जो है वो व्यापारी का एक कर्तव्य होता है। अगर इस पे किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग करता है तो उस पे कानूनी व्यय लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर जो ये व्यय हुआ है ये आगमगत व्यय है, आवर्तक प्रवृत्ति का है। अब पुराने साइन बोर्ड पर नया साइन बोर्ड लिखने का व्यय, एक बार जब एक साइन बोर्ड पे हम कुछ लिख देते हैं, फर्म का नाम या एड्रेस जो भी लिखना है, तो बार बार हम उसको चेंज नहीं करते, उससे जो लाभ होता है वो काफी लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। और इस पर जो व्यय किए जाते हैं उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं, और कई साल तक हम उनको छोटे छोटे हिस्सों में अपलिखित करते रहते हैं। तो क्योंकि इस तरह का ये व्यय है तो इसको हम अस्थगित आगमगत व्यय मानते हैं।